हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने बॉडी पार्ट्स के सबसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ह्यूमन आई, जिसको हम मानव नेत्र बोलते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, जो हमारी आंखें हैं वो बहुत ही सुंदर, कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो गॉड ने हमें दिया है। नेचर की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, उसको देखने के लिए हमारी आंखें ही जिम्मेदार हैं। अगर ये आंखें ना हो तो दुनिया की खूबसूरती का कोई भी महत्व ही नहीं रह जाता। बॉडी में कोई भी पार्ट्स आप देख लीजिए, उनकी अलग ही वैल्यू है या उनका अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारी आंखें अगर ना हो तो सारी चीज़ें दुनिया में सोनी है या सब चीज़ों का होना बेकार है। आप किसी चीज़ों को छू कर पता लगा सकते हैं, टेस्ट कर कर पता लगा सकते हैं, स्मेल करके पता लगा सकते हैं, लेकिन आंखों के बिना आप किसी रंग की कल्पना ही नहीं कर सकते। या नेचर में झरना कैसा होता है, मोर के पंख कैसे होते हैं, कोयल कैसी होती है, आसमान कैसा होता है, इंद्रधनुष कैसा होता है, ये सब खूबसूरतियाँ देखने के लिए आंखें बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने इसी आँख के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज अपने चैनल माइंड शार्पर्स में बात करूंगा इसी ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि हमें अगर ह्यूमन आई ड्रॉ करने को आ जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। एक एक पार्ट इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ताकि हमारे आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। तो इन सबको सीखने के लिए चलते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों, आपके 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, सीबीएसई, यूपी, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आपके लिए बायोलॉजी अगर आपके पास है तो मानव नेत्र या ह्यूमन आई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमें समझना भी चाहिए कि हम जो दुनिया देख रहे हैं वो हमें कैसे दिखती है या कैसे हम उस चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये सब समझने के लिए हमें ह्यूमन आई को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम आप लोग को बता देता हूँ, उसके एक एक पार्ट्स बता देता हूँ। उसके बाद अलग अलग लेक्चर्स में, अलग अलग वीडियो में मैं आंखों के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी आपको दूंगा जिसको सुनकर शायद आप लोग हैरान हो जाएं, यह वो जानकारी आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी, जानने में बहुत अच्छी लगेंगी। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, चलते हैं इसको समझते हैं ह्यूमन आई कैसा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे सिंपल बताऊंगी, डायग्राम बनाने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं। आप सिंपल एक सर्कल को बनाएंगे इस तरीके से, तो आपका सिंपल हो जाएगा आपका आई का डायग्राम, अगर आप इस वे में बनाते हैं। इसको आप ऑप्टिक नाम कह दीजिए। और यहां से आपको थोड़ा सा कर्व आउट कर लेना, थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है, ये आपका कॉर्निया हो जाएगा। इसको हल्का सा ऐसे कर लेना है। फिर यहाँ से आपको कुछ मसल्स दिखा देनी है, मांसपेशियाँ कुछ दिखा देनी हैं। इसमें लिगामेंट होता है जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखता है। इसके बाद आपको बना देना है लेंस, यहाँ पर आपको बना देना है आइरिस, दूसरे वाले मार्कर से कर देता हूँ मैं। अभी मैं सारे पार्ट्स को बताऊंगा ये होते क्या हैं और आप आंखों में इसको अपने आप से कैसे देख सकते हो। अब दोस्तों, इसके बाद हम इसकी लेबलिंग देखेंगे। लेबलिंग को एक एक पार्ट आप लाइन से देखेंगे, जैसे जैसे प्रोसेस होता है हम उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो आपको उस तरीके को याद कर लेना है और इसके बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला, लेबलिंग आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगी कैसे हम सीक्वेंस में चलेंगे। अगर आप किसी की आंखों को देखते हैं तो जो काला वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, अगर आप अपनी आंखों को बंद करके छुएंगे तो ये लगेगा थोड़ा सा उभरा हुआ, जैसे हल्का सा ये उभरा हुआ है तो आपको थोड़ा सा उभरा हुआ लगेगा। थोड़ा सा टच करने पर आपको पता चलेगा कि हाँ, आंख यहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। और एक चीज़ और, कॉर्निया जो ये काला वाला हिस्सा है इतना ही आप लोग को जो है देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी ये व्हाइट वाले पार्ट का जो देखने से है कुछ लेना देना नहीं है। व्हाइट वाला जो पार्ट है आपका वो सिर्फ और सिर्फ आंखों को शेप देता है। कैसे, अब हम ध्यान देंगे अपने पहले पार्ट को, कॉर्निया नाम है। अब मैं साथ के साथ आप लोग को हिंदी भी बताते हुए चलूंगा। कॉर्निया, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल, ताकि हिंदी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, हिंदी मीडियम से जो पढ़ रहे हैं। अब कॉर्निया के बाद हमारी जो रोशनी अंदर जाएगी, तो दोस्तों याद रखना, हमारी जो रोशनी होती है बहुत
तेज होती है, बहुत तीव्र होती है, तो लाइट की इंटेंसिटी जब हाई होती है तो हमारे लेंस के बीच में, लेंस के और कॉर्निया के बीच में एक वाटर जैसा कोई सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, वो एक लिक्विड पार्ट होता है। तो याद रखना है आपको इसके और इसके बीच में आपका एक, मैं ब्लैक से लिखता हूँ, इसमें आपको याद रखना है एक लिक्विड पार्ट होता है उसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर को आप लोग हिंदी में दो नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको जानते हैं नेत्रोध, नेत्रोध द्रव, या दूसरा आप लोग कह सकते हैं नेत्रोध को हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव, नेत्रोध या जलीय द्रव। ये जलीय क्यों बोला गया, आप लोग एक्वस जानते होंगे, एक्वा गार्ड, एक्वा फिना, एक्वा श्योर, तो एक्वा मतलब जल से, यानी ये चीज आपकी जलीय है, यानी लिक्विड पार्ट में आप लोग का है। इसके बाद आप लोग जब अगले सीक्वेंस में चलेंगे तो याद होगा आपको, ये दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने बनाया था, इसको बोलते हैं आयरिस। ये दोस्तों आप लोग देखते होंगे किसी की आंखें तो आपको भूरी लगती होंगी, किसी की आंखें आपको हल्का सा ब्राउनिश, किसी की थोड़ी सी येल्लोइश होती है तो हम बोलते हैं उसकी आंखें भूरी हैं। तो ये दोस्तों आयरिस के मसल्स के कलर के चलते आपका कलर जो है वो डिनोट करता है। तो ये मसल्स होती हैं और इसको देखेंगे आप सिकुड़े हुए कपड़े की तरह होता है, कुछ मसल्स होती हैं और उसमें आप ध्यान देखेंगे किसी की भूरी आंख होती है तो बहुत अच्छे से पता चलता है कि कुछ पर्दे जैसा होता है, कुछ सिकुड़ा हुआ सा। और दोस्तों ये जो चीज़ होती है ये क्या करती है, आंखों में रोशनी कितनी आनी है उसको कंट्रोल करती है, ये अपने आप को सिकोड़ती है, यानी कैसे छोटा और ये करेगा और बड़ा करेगा, यानी जब लाइट ज़्यादा तेज होती है तो अपने आपको सिकोड़ कर छोटा कर लेता है ताकि आंखों के अंदर रोशनी कम जाए, और जब अंधेरा होता है तो अपने आपको फैला लेता है, एक्सपेंड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर जाए। तो इसका नाम होता है आयरिस, ये जो ये वाली मसल से नीचे और ऊपर, इसको बोलते हैं आयरिस, और हिंदी में इसको बोलते हैं परितारिका, परितारिका। अब दोस्तों ये आयरिस है, जब ये छोटा और बड़ा होगा तो ये मेरे हाथ के बीच में गैप बंधा होगा, अगर ये एक्सपेंड होगा तो ज़्यादा गैप आएगा, छोटा होगा तो कम गैप होगा, यानी इसके बीच में जो होलो स्पेस है, यानी जो खिड़की जैसा एक विंडो बन जाती है जिसमें से लाइट अंदर जाएगी, इस स्पेस को बोला जाता है प्यूपिल, यानी पुतली, बोलते हैं आँख की, जो आँख है उसकी पुतली छोटी होना, पुतली बड़ी होना, तो यानी इस विंडो को, स्पेस को, विंडो को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पुतली, ये जो ये वाला, जो ये वाला स्पेस है, जो ये इतने स्पेस को बोलते हैं पुतली, इसको बोल देते हैं पुतली, यानी आपका प्यूपिल, या उसको आप बोलोगे पुतली, प्यूपिल या पुतली, ठीक। उसके बाद रोशनी यहां से चली गई और आगे आपके चली गई यहां पर लेंस पर, लेंस को दो नाम से जानते हैं, सिंपल लेंस भी बोल दिया जाता है, क्रिस्टली लेंस, क्रिस्टली लेंस या सिंपल लेंस के नाम से जानते हैं इसको, जैसा आप लोग समझें, जैसा लिखा हो, क्रिस्टली लिख भी सकते हैं इसको या नॉर्मल भी लिख सकते हैं, क्रिस्टली लेंस या लेंस। अब दोस्तों यहाँ तक रोशनी आ गई, रोशनी अब अंदर जाएगी तो यहाँ पे याद रखना, अभी मैंने यहाँ बताया था एक लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस कॉर्निया के बीच में एक आपका लिक्विड होता है, दूसरा लिक्विड होता है आपका लेंस और ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है इसके बीच में एक लिक्विड होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, जिसको हिंदी में बोलते हैं काचाब, यानी कांच जैसा, काचाब द्रव, काचाब द्रव, यानी कांच जैसा होता है ये बिल्कुल जल जैसा होता है, पानी कलर का, आंखों को ये झटके से बचाता है, जर्क से बचाता है, इसका मेन काम ये भी होता है, दूसरा ये आई बॉल या आई को शेप देता है। अब इसके बाद हम चलते हैं जो लास्ट पार्ट होता है आंखों का, सबसे पिछला पार्ट, उस पर कई बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बेहतरीन का मतलब कि जो आपको रंग बिरंगा या ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है वो सब यहीं पर पाया जाता है। जैसे आप किसी लेंस से जब इमेज बनाते हैं तो किसी पर्दे पर या किसी स्क्रीन पर बनती है, तो ये हमारे आंखों की स्क्रीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, जो अंदर वाला पार्ट होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, रेटिना। रेटिना का आप लोगों ने सुना होगा कि रेटिना पर इमेज नहीं बनती या रेटिना पर ब्लर इमेज आती है, तो रेटिना को हिंदी बोलते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, पटल मतलब पर्दा, दृष्टि पटल बोलते हैं। अब ये चीज आपको याद रखनी है, दृष्टि पटल होता है। उसके बाद यहाँ पर दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है आपका येल्लो स्पॉट, जिसको आप लोग हिंदी में जानते हैं, येल्लो स्पॉट को, येल्लो मतलब पीत, यानी पीला, पीत बिंदु, वही बताऊंगा इसका काम क्या होता है। और दूसरा ही जो ये होता है इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु, अंध बिंदु। अब याद रखना है रेटिना के
और ये बाहर जो ये हमारी आंखों का ये जो व्हाइट वाला पार्ट सारा दिखता है, इस व्हाइट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, स्क्लेरा बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग श्वेत, यानी दृष्टि पटल था वो है हमारा श्वेत पटल, यानी श्वेत पर्दा, श्वेत पटल। श्वेत पटल। अब इसके बाद याद रखना, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में जो मसल्स होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसको बोलते हैं, इसके बीच में होता है, इन दोनों के बीच में। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से होगा वो, इसके बीच में ये, और फिर आपका ये रेटिना वाला पार्ट आ जाएगा। तो जो ये सेंटर में इन दोनों के है उसको बोलते हैं कोरोइड, कोरोइड, और हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त पटल, रक्त पटल। इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो 10th लेवल पर नहीं है, 12th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको मैं बताऊंगा आप लोग 10th के हिसाब से जो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है, 12th के लिए आपको क्या क्या याद रखना है, आगे के लेवल के लिए आप लोग को क्या याद रखना है, ये सब चीज़ें आपको कैसे याद रखनी है। अब दोस्तों यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो लास्ट होता है ये जो हमें ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, इमेज जब बनती है तो इमेज के बाद जो मेन है ये नर्व से ही जो ब्रेन तक जा रही होती हैं इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इसी के अंदर आपकी वेन्स और आर्टरीज हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व को हिंदी में बोलते हैं दृक, दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका। ये अब कुछ मसल्स हैं जो लेंस को पकड़ कर रखती हैं, जैसे अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि मैंने कुछ पोर्शन ब्लैक बनाया है, कुछ पोर्शन ब्लू बनाया है, जो तो काला वाला जो है वो आंखों के अंदर वाले जो कोरोइड वाला पार्ट था उससे जुड़ा होता है मसल्स, और इस वाली मसल्स को जो लेंस पकड़ कर रखता है इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं पक्षमाभि, यानी पीछे वाली पक्षमाभि, पक्षमाभि पेशियां। पक्षमाभि पेशियां। अब लेंस के और जो हमारे सिलियरी मसल्स उसके बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, यही दोस्तों लेंस को खींचकर मतलब लंबा पतला, और जब इसको रिलैक्स करता है तो लेंस को मोटा कर देता है, छोटा कर देता है, तो इसी के चलते होता है, उसको बोलते हैं क्या ये जो है इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, और हिंदी में इसको बोल देते हैं निलंबन स्नायु, निलंबन स्नायु। इतना पार्ट अगर आपको आंखों में याद रह जाता है इतने टॉपिक, तो आपका कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं 12th लेवल तक। 10th के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग ये चीज़ छोड़ सकते हैं, ये दो चीज़ सीबीएसई बोर्ड के लिए इस चीज़ को दिखाने जरूरी नहीं है, जो मैंने ब्लू से दिखाया है यहाँ पर लास्ट पोर्शन में उसको आप रहने दे सकते हैं, लेकिन आगे का ये जो सारा पार्ट है आपको दिखाना पड़ेगा, ये कॉर्निया भी आपको दिखाना पड़ेगा मेन पार्ट, लेकिन पीछे के आप ये 3-4 टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन रेटिना दिखाना पड़ेगा, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, और आप सारा याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अब दोस्तों मैं इसका आपको फंक्शन बताता हूँ कि एक एक का काम क्या है, उससे आपको याद हो जाएगा। कॉर्निया मैंने बताया, कॉर्निया सबसे फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें से क्या होता है कि आपके लाइट एंटर करती है, तो कॉर्निया ही रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए। उसके बाद अंदर होता है एक्वास्यूमर, एक्वास्यूमर क्या करता है हमारे लेंस को लगातार वॉश करता है, नरिशमेंट देता है, प्रोटीन देता है, अब यहाँ पर ब्लड नहीं होता तो क्या करता है सारा प्रोटीन ये कैरी करता है हमारी लेंस को, और ये जितने आयरिस और मसल्स हैं उनको प्रोटीन देता है, लगातार लेंस को वॉश करता रहता है, नरिशमेंट देता है उसको। फिर हमने बताया आयरिस आपका होता है मसल्स जैसा, ये पर्दा होता है जो कि अपने आप को छोटा और बड़ा करता है लाइट को, अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए, कितनी रोशनी अंदर जानी चाहिए, प्रकाश के कितने स्तर पर ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी ज़्यादा प्रकाश होता है अपने आप को क्या करेगा छोटा कर लेगा, कम प्रकाश में अपने आप को बड़ा कर लेगा। उसके बाद लेंस होता है, लेंस आपको पता है कि लेंस से ही आपका रिफ्रैक्शन यानी जो अपवर्तन होता है, उसके बाद रोशनी आपके रेटिना तक जाती है, ये फोकस का काम करता है मेनली लेंस, ऑब्जेक्ट पर, सस्पेंसरी लिगामेंट,
ये लेंस को और मसल्स को आपस में जोड़ती हैं, लेंस को पकड़ कर रखती हैं। जब भी आप किसी दूर की वस्तु या पास की वस्तु को देखते हैं तो लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है, या तो वो खिंचाव के द्वारा पतला और लंबा हो जाता है। जब सस्पेंसरी लिगामेंट आपके, जब आपके पास की वस्तु देखनी होती है तो आप उसको रिलैक्स कर देते हो, तो आप उसको देखते हो कि ये लेंस को ढीला छोड़ने पर लेंस को मोटा कर देता है और छोटा कर देता है। सिलरी मसल्स पकड़ कर रखती है सस्पेंसरी लिगामेंट को। फिर अंदर आता है आपका विट्रियस ह्यूमर, जो कांचाव द्रव होता है जो आंखों को झटके से बचाता है, वाइब्रेशंस अगर होती है तो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आंखों को शेप देता है। उसके बाद हमारा रेटिना होता है, रेटिना स्क्रीन है जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। अब दोस्तों ये येल्लो स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ध्यान से सुनना। येल्लो स्पॉट वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत ही अच्छी इमेज बनती है, यानी येल्लो स्पॉट जो पीत बिंदु है, जो ब्राइट इमेज बनती है, कलरफुल, आपको बहुत अच्छे से कोई चीज़ अगर स्पष्ट दिखाई दे रही है क्लियर, तो उसको आप मान लीजिए कि येल्लो स्पॉट जो है आपका, येल्लो स्पॉट पर हमें इमेज बहुत ही क्लियर दिखती है। और ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी पोजीशन है, अगर आपकी इमेज फॉर्मेशन लेंस से जाने के बाद यहाँ पर होती है तो याद रखना कि आपको कुछ भी दिखाई देगा नहीं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। जब इस पर इमेज बनती है तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, ICC बोर्ड की बुक में दिया हुआ है कि आप दो पॉइंट पास पास बना लीजिए, दोनों के बीच में 2 से 2.5 सेंटीमीटर का गैप होता है, आप अपनी एक आंख को कवर कर लेते हैं, तो जब पॉइंट को पास लाते हैं तो आप क्रॉस देखते हैं, यानी राइट आई से आप लेफ्ट में उस पॉइंट को देखेंगे और पास लेंगे, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपका एक पॉइंट गायब हो जाता है। इस तरह से है, मतलब इसको आप सिंपल समझिए कि ब्लाइंड स्पॉट पर अगर इमेज बनती है तो आपको दिखाई नहीं देगी। और स्क्लेरा मैंने बताया श्वेत पटल होता है जो आंखों का ये सफ़ेद वाला भाग होता है, और कोरोइड मसल्स हैं, रक्त पटल बोलते हैं जिसको, जो कि इसमें ब्लड की सप्लाई चालू रखती हैं। ऑप्टिक नर्व जो कि हमारी इमेज बनती है, दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस हमारी आँख में वो क्या कहता है, इमेज को रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, और ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे इमेज दिखा रखी है, इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। अब हमारे रेटिना पर इमेज उल्टी बनती है, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन को देता है, ब्रेन उसको सीधा रीड करता है, यानी हम उसको सीधा देखने के लिए सक्षम रहते हैं, सीधा हम उसको देखकर समझ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आँख के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और जिसको आप लोगों ने समझा आज, और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इसके बाद दोस्तों बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मैंने आपको बताया ना कि दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए आँखें बहुत ज़रूरी हैं, तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल कैसे दिखता है मैंने भी बात करी थी, तो याद रखना दोस्तों हमें, आप लोग देखते होंगे कि कम रोशनी में चीज़ों का रंग उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता, कि वी आर नॉट एबल टू क्लियरिफाई द कलर्स इन डिम लाइट, हम कम रोशनी में कलर को क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे दो तरह की सेल्स होती है रेटिना में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस रेटिना के अंदर दो सेल्स पाई जाती हैं, उनका नाम होता है, इस रेटिना के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उसमें एक होती है हमारी रॉड सेल्स और दूसरी होती है कोन सेल। दो तरह के सेल होती हैं, रॉड सेल हमारी रॉड की शेप की होती है थोड़ी सी, और कोन सेल जो होती है हमारी थोड़ी सी कोन शेप की होती है। मैं आपको इमेज यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस तरीके से कोन शेप की होती है हल्की सी, इस तरीके से। ये दो तरह की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, रोड को बोलते हैं छड़ कोशिका या शलाका कोशिका, इसको याद रखना हिंदी में, और कोन को बोलते हैं शंकु कोशिका, इसको बोलते हैं शलाका, शलाका कोशिका, और इसको बोलते हैं शंकु कोशिका। ये आग के बीच में बना दिया है, ये रेटिना में ही पाए जाते हैं, दो तरह की सेल्स होती हैं, जो कि अब याद रखना रॉड सेल्स, यानी ये रॉड शेप की होंगी, शेप की, ये डिम लाइट में, यानी जो प्रकाश कम होता है उस समय ये एक्टिवेट होती हैं, उस समय ये संवेदनशील हो जाती हैं, एक्टिवेट, उस समय क्या होगा डिम लाइट में आपको कलर स्पष्ट नहीं दिखता है, तो डिम लाइट में, यानी आप जब कम रोशनी होगी तो आपकी ये रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और आपको ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें दिखती हैं, कलर उतना अच्छे से नहीं दिखता है। लेकिन जब ब्राइट लाइट होती है, अच्छी से रोशनी होती है दिन की, उस समय आपके येल्लो स्पॉट पर जो इमेज बनती है, और उस समय आपकी कौन सेल्स एक्टिवेट होती है, जो संवेदनशील उस समय कोशिकाएं हैं वो है आपकी शंकु कोशिकाएं हैं, उस समय आपको कलर बड़ा अच्छा स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो आपकी कौन सेल्स हैं दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कलरफुल विजन, यानी जो कलर आपको अच्छे से दिखता है वो आपके कौन सेल्स की वजह से ही होता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। अब इतने पार्ट अगर दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है तो इसमें से कोई भी चीज़ आपकी छूटती नहीं है, और आपको कोई भी टॉपिक 10th हो 12th हो किसी भी क्लास का हो यहाँ से अगर पूछेगा तो आप लोग इजिली बता लेंगे। और दोस्तों अगर कोई भी टॉपिक पे इसमें आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी या कौन सी चीज़ आगे आपको देखना है। आगे अगली वीडियो में हम आँख के बारे में और पढ़ेंगे कि जैसे आंखों का दोष क्या है, दृष्टि दोष, ह्यूमन आई डिफेक्ट, और भी टॉपिक आगे ऐसे हम ह्यूमन आई के ऊपर लेकर आएंगे। क्वेश्चंस थोड़ा आपको बताऊंगा मैं ऐसे टॉपिक में, जैसे मैंने आज टॉपिक आपको क्लियरिफाई करा तो आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस
उस जो मैंने वीडियो बताई उसमें से आपको, अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको इजिली आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आज आप लोग को पढ़कर बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं जो कि क्लास वाइज भी और आपके डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं। और वीडियो को अपना प्यार दें, दूसरों के साथ शेयर करें, ये जानकारी बहुत अच्छी है, आंखों से जुड़ी जानकारी है, दूसरे के साथ शेयर करें। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा आप चैनल को अपना प्यार दें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।